हाई हेलो, वेलकम एवरी वन टू माई चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि एक बच्चे को किस तरीके से लिखाना सिखाना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं आज। तो पहली बात, आपको बच्चे को क्या करना है, आप बस स्क्रिबल करने के लिए बोलिएगा। बस जितना हो सके बच्चे को स्क्रिबल करने के लिए दीजिए। स्क्रिबलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से बहुत थोड़े मोटे हैं, ये जाड़े हैं और ये ट्रायंगुलर शेप में है। ये इस तरीके से क्रेयॉन्स आपको इजीली स्टेशनरी मार्केट्स में आपको अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप क्रेयॉन्स, वैक्स क्रेयॉन्स दे सकते हैं स्क्रिबल करने के लिए, पेंसिल दे सकते हैं, क्रेयॉन्स दे सकते हैं, या चॉक से भी आप स्क्रिबल करने के लिए कह सकते हैं। ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, मार्कर यूज़ कर सकते हैं, स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं, और ब्लैक बोर्ड के लिए आप कलरफुल चॉक्स मिलते हैं। तो ब्लैक बोर्ड में भी आप कलरफुल चॉक्स में भी आप बच्चों को बोल सकते हैं स्क्रिबल करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को बस प्लेन पेपर ही दे और प्लेन पेपर में ही स्क्रिबल करने के लिए कहीं उनको, मतलब आप रफ बुक दे सकते हैं या लाइंस की बुक्स दे सकते हैं, किस में भी बस बच्चा स्क्रिबल करना हो तो बच्चे को 2 हफ्ते तक बस उसको स्क्रिबल करने के लिए बोलिए। और उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ, ये स्क्रिबल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आता है पेंसिल को किस तरीके से होल्ड करना। इस पेंसिल को किस तरीके से सही तरीके से वो जब होल्ड करना सीखेगा तभी ही उसका हैंड राइटिंग अच्छा आएगा और उसके बाद वो अच्छा लिखेगा, उसको दुखेगा भी नहीं। तो बहुत इसमें बहुत मेहनत लगता है बच्चे को। पहली तो बात, आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि ये फिंगर्स, दी 3 फिंगर्स को इस्तेमाल करके किस तरीके से होल्ड करना है पेंसिल को। तो मेरा थंब फिंगर इधर है, इंडेक्स फिंगर इधर है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 फिंगर मेरा किधर है। तो इसी तरह आप सिखा सकते हैं। आप कुछ भी पहले पेंसिल को होल्ड करना सिखाने के बाद, ये आप कलरिंग जितना स्क्रिबल करने के बाद आप पेंसिल को होल्ड करना सिखाइएगा। पेंसिल को होल्ड करने के सिखाने के बाद उसको, मतलब कोई भी शेप्स आप सिखा सकते हैं। मतलब अगर आप इस तरीके से सर्कल बोलने के, पहले तो वो ऐसे राउंड गोल 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 ही मतलब करेगा बच्चे, तो हमेशा वो गोल 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 करते हैं तो वो सिखाएगा। आप बच्चे को अगर ये इस बहुत पक जाते हैं कलरिंग एक्टिविटीज़ का, स्क्रिबल करने के लिए पक जाते हैं, तो फिर मेरे पास एक अभी ये आया है। देखिए मैंने कुछ एज अ पेरेंट हमको बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ से हमको आना चाहिए, बिकॉज़ बच्चे को सिखाते हैं तो हमको थोड़ा क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस वे में क्या, कौन सा वे में ऐसे सिखाएं बच्चे ताकि वो जल्दी ग्रैजअप हो सके, तो हमको उनको बोरिंग भी नहीं करना है, हमको मज़ेदार बनाना। स्टडी एक आइटम है जो हमको स्टडी फन वे में हमको सिखाना है। मैंने ये कलरिंग बुक दिला दिया था। ये कलरिंग बुक है, ये कलरिंग बुक स्मॉल या बड़ा कौन सा भी आप लेके आ सकते हैं और बच्चे को बोल सकते हैं कलर करने के लिए। उसके बाद मेरे पास एक है कलर एंड क्लीन सोलो पैक, फ्रूट्स का है और एक शेप्स का है। मैंने बस 2 कैटेगरीज़ का ही लिया था, बट इसमें बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं। इसमें वेजिटेबल्स मिल सकता है, इसमें वेजिटेबल्स, एनिमल्स का, बर्ड्स का, इस तरीके से बहुत सारे मेरे पास कैटेगरीज थे, बट मैंने अभी बस यूज़ करने के लिए मैंने बस भी 2 ही मैंने लिए हैं। ये इसका स्पेशलिटी ये है, इसमें 12 कार्ड्स हैं जो रीयूजबल है। ये रीयूजबल कलरिंग कार्ड्स हैं, इसमें बहुत फ़ायदा देता है। आप बच्चे को ये ज़रूर, मैं रिकमेंड करती हूँ ये बच्चे को आप ज़रूर ये खरीद लीजिए, बिकॉज़ ये मार्केट्स में अभी इजीली अवेलेबल है। मतलब आपको स्टेशनरी, जो बड़ा स्टेशनरी है उसमें, ज़्यादातर बड़ा स्टेशनरी में मिल जाएगा, या तो फिर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आपको मिल सकता है। ये ऑनलाइन में जाके भी खरीद सकते हैं। ऐसे इस तरीके से आपको 12 कार्ड्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक डस्टर है, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या है। ओके, तो जैसे कि इसमें का ये देखिएगा, ये 12 रीयूजबल कार्ड्स हैं और इसमें 1 बॉक्स ऑफ वैक्स क्रेयॉन्स इसमें मिल जाएगा आपको, एक डस्टर मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये 3 साल बच्चे के ऊपर को ये यूज़फुल है, बट आप चाहिए तो आप 2.5 ईयर्स से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं।
और इसमें का ये फ़ायदा ये है कि वो जल्दी चाइल्ड कैन देखो चाइल्ड कैन कलर एंड क्लीन अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसको क्लीन कर सकता है, वो कलर कर सकता है। यहाँ पे चाइल्ड कैन मेमोराइज मिनिमम 5 वर्ड्स आउट ऑफ 12 इन वन कैटेगरी। तो एटलीस्ट वो बच्चा क्या करता है, अगर आपके पास अगर बच्चे को आप ये दे देते हैं ना, तो बच्चा क्या करता है, ये रिकोगनाइज करना स्टार्ट करता है। ये देखो ये ऐसे सर्कल, इसको सर्कल बोलते हैं, और इस सर्कल का स्पेलिंग आ जाता है, ये देखेगा, ये देखेगा, फिर बच्चा ये कलर कौन सा है, ये कलर देखेगा, कलर सीखेगा, और वो कौन सा शेप में है वो कलर, वो शेप सीखेगा, बिकॉज वो उसको कलरिंग करना है, तो इस शेप में ही उसको कलर करना है, तो विद इन दिस शेप ही ओनली वो कलर करता है, तो वो कलर भी आराम से सीख जाएगा कौन सा कलर है, और वो कौन सा शेप है वो भी आराम से अच्छे से सीख जाएगा। तो दिस किट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। तो इसके लिए मैंने ये समझा कि ये मैं एक ले लूँ मेरे बच्चे के लिए, बहुत हेल्पफुल रहा मेरे बच्चे को। ये बस ये बहुत बिजी रखता है मेरे बच्चे को, ऑल द टाइम बस बिजी रखते हैं ये मेरे बच्चे को। ये बैग्स इसमें ऐसे ऑलरेडी है हमारे पास, ये कुछ नहीं बस इस तरीके से इससे शीट्स हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा के बताती हूँ। बस कुछ नहीं, बस हमारे पास एक स्पॉन्ज है घर पे, तो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज से हम इसको मिटा सकते हैं इजीली। देखिए दैट इज़ वाइप एंड क्लीन सीरीज में, ठीक है जी। तो ये मैंने बता दिया है, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मार्केट में अवेलेबल है आजकल, तो बहुत ही यूज़फुल है ये वाइप एंड क्लीन का सीरीज़ का, बहुत ही यूज़फुल है, बिकॉज़ ये बच्चे को कुछ क्रिएटिव वे ऑफ लर्निंग है ये हो जाता है, ये कलरिंग एक्टिविटी है, ये कलरिंग एक्टिविटीज़ से भी बहुत ही फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत जल्दी से सीख सकते हैं बच्चे, जितना कलर करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होता है, बेहतर होता है। उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कुछ पैटर्न्स, तो ये सारे मैंने एक समरी मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में समरी पैटर्न्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कुछ कर्व्स के लाइन मैंने बनाए, कुछ जिगजैग्स वाले लाइंस बनाए हैं मैंने। तो इस तरीके से आप कोई भी स्लेट बोर्ड आपके घर पे, अगर व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है या तो फिर ऐसे स्लेट बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो चलेगा। ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग तो हमारा तो पहले यही इससे बना था, स्लेट बोर्ड में, स्लेट बोर्ड में आप ऐसे ए लिखे सिखाते थे, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, इस तरीके से आप कोई भी ऐसे लाइंस बनाना सिखाइएगा इस तरीके से। पहले तो पूरा लाइंस ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे लाइन बनाने के लिए बोलिए बच्चे को, ठीक है ना। तो आप इसमें इस तरीके से आप स्लेट से भी सिखा सकते हैं लिखाना। उसके बाद आता है पैटर्न्स, जो कुछ भी है पैटर्न्स मैंने आपको बोले हैं, ये सब ये सारे पैटर्न्स आप इसी एसी के थ्रू सिखाएगा पहले तो, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, मतलब स्लेट तो छोटा ही है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक एंड हुआ, तो इस तरह ऐसे 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 उसको आराम से वो हाथ तो पकड़ ही जाएगा उसको, तो इसमें हाथ अच्छे से आराम से मूव हो जाता है उसमें, और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे ऐसे दोनों, मतलब ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड आपको दोनों ही मिल जाएगा मार्केट्स में, ये सब खरीदिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर बच्चों को ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा और मददगार रहेगा बच्चों को भी। उसके बाद आता है आप रिकॉग्नाइजिंग ऑफ सम अल्फाबेट्स, अल्फाबेट ये सारे जो पैटर्न्स के बाद पैटर्न्स, अगर आप पैटर्न से बहुत फेमिलियर है बच्चे, आप इसमें पैटर्न्स अच्छे से आप सिखा देते हैं इसमें। इसके बाद आता है कोई ऐसे सारे बुक्स जो पैटर्न्स की बुक्स आप दिला सकते हैं बच्चे को। मैंने तब एप्पल विकास का लिया था पैटर्न्स सिखाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे पैटर्न बुक मैंने एक लिया था, जिसमें भी यहाँ पे स्क्रिबल करने के लिए मैंने एक्टिविटी दिया था बच्चे को, पहले मैंने स्क्रिबल करने के लिए बोला था। इसके बाद देखो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन आ जाता है, देन स्लीपिंग लाइन, फिर बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, फिर फ्रंट स्लैंटिंग लाइन, फिर सी देखो यहाँ पे अपवर्ड कैप शेप लाइंस, फिर डाउनवर्ड कैप शेप लाइंस यहाँ पे है, फिर लेफ्ट साइड एरो लाइंस हैं, फिर राइट साइड एरो लाइंस हैं, कुछ इसी तरह अम्ब्रेला लाइंस, तो कुछ इस तरीके से लाइंस पैटर्न्स लाइंस आपको मिल सकता है यहाँ पे अच्छे तरीके से आप, मतलब यहाँ पे फोर रूलर बुक में ही, मतलब देखो इसी ब्लैक इसी रेड एंड ब्लू लाइंस में आपको मतलब पैटर्न्स बुक मिल जाएंगे आपको इसमें बहुत सारे हैं। बस यही नहीं कि आपको मतलब कोई भी पैटर्न बुक खरीद के आप मतलब इसको बार बार इरेज करके या ब्रब करके पेंसिल से राइट करके आप इसको सिखा सकते हैं घर पे बैठे बैठे। और एक एक समरी है देखो मैंने यहाँ पे बताया है आपको,
आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे पैटर्न्स हैं, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, ये बैकवर्ड स्लैंटिंग, फ्रंट स्लैंटिंग, बाद में ये वाला, इस तरीके से आप जितना हो सके आप पैटर्न्स में ज़्यादातर फोकस कीजिएगा, देखिएगा इस तरीके से। और सी वाला, ये वाला जो कर्व है, ये जो कर्व्स है इन्वर्टेड सी, ये सारे जो कर्व्स लाइंस को बहुत अच्छे से सिखाएंगे, बिकॉज इससे से बेस्ड होता है सारे अल्फाबेट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर ये सी सीख जाएगा ना तो बहुत सारे चीज़ें सीख जाएगा वो, बहुत सारे अल्फाबेट्स इससे रिलेटेड, इससे बेस्ड हैं, इससे फॉर्म होकर आ जाते हैं। तो बहुत सारे कुछ अल्फाबेट्स हैं जो सी से, अगर हम सी अच्छे से सिखा देते हैं बच्चे को, तो आराम से वो हर लेटर्स भी वो लिखने के लिए ईजी हो जाता है उसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऐसे इस तरीके से थोड़े बहुत सारे मैंने बता दिए हैं। ये पैटर्न बुक ले सकते हैं, ये पैटर्न बुक के बाद आप सिखा सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनी अल्फाबेट्स के, अल्फाबेट्स को आप मतलब इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे स्लेट बोर्ड ले लीजिए, स्लेट बोर्ड का एक ये बना दीजिएगा, हाफ पार्टीशन कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले लीजिएगा, अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखिए। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ए अल्फ़ाबेट लिया है, ए अल्फ़ाबेट को पहले आप कलरिंग के लिए उसको बोलिए कि बॉर्डर के अंदर आपको कलर करना है, तो बॉर्डर के अंदर वो कलर करेगा बच्चा। उसके बाद आप यहाँ पे मैंने डॉट 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 का ट्रेस करने के लिए दे दिया है, फिर उसके बाद वो बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक वो डॉट को ट्रेस करते हुए एंड करेगा, तो उसके बाद इसको ये भी सीख जाएगा वो। उसके बाद आता है, मैंने उसको डॉट्स को मिनिमाइज़ करके बस तीन ही डॉट्स में इसको एंड किया है, तो मैं आपको बच्चे को फिर बाद में ये डॉट्स दिखाई देगा, तो वो डॉट को ही, उसी डॉट को फॉलो करके वो उसको एंड करना है। तो वो यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद हम उसको बोलेंगे सेंटर लाइन में एक लाइन बनाओ, फिर हमको उसको सिखाना पड़ेगा कि ये सेंटर कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे कि वो उसको रिकॉग्नाइज हो ही गया होगा कि मतलब एक किस तरीके से दिखता है, तो यहाँ पे उसने कलर किया होगा, तो फिर यहाँ पे एक लाइन डालना है, यहाँ पे उसने एक लाइन डाला हुआ है, तो फिर हमको बच्चे को भी बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने ए का लाइन डाला है, यहाँ पे ए का लाइन डाला है, तो फिर तुम यहाँ पे भी इसी तरीके से लाइन डालो, तो फिर वो डालेगा, तो फिर ये बन गया हमारा ए। उसके बाद बाजू में एक आप उसके रिलेटेड कोई भी एक पिक्चर बना के उसको कलरिंग के लिए दे सकते हैं, यहाँ पे इसका ए है, ए फॉर एप्पल बना के उसका एक ये लीफ है, लीफ का कलर कौन सा है वो आप कलर करने के लिए दे सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आप इसके एक्टिविटी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे देखे, उसके बाद एक डॉट डॉट्स को ट्रेस करते हुए और ट्रेसिंग के लिए डाल सकते हैं, उसके बाद बस उसको मिनिमाइज करके तीन डॉट या दो डॉट में एंड करने जैसा एक एक्टिविटी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना जी। उसके बाद मेरे पास अभी पड़ा है एक, मैंने कुछ ये रवा ले लिया है, सूजी बोल सकते हैं इसको, सूजी बोलते हैं या रवा बोलते हैं, सेमोलिना बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने ले लिया है, मेरे पास तो यही था। मट्टी ले सकते हैं, एक प्लेट में आप मट्टी ले सकते हैं, या ऐसे कुछ रवा ले सकते हैं, या तो फिर रंगोली का पाउडर ले सकते हैं, या चावल ले सकते हैं। इसमें आप क्या कीजिए, एक और एक्टिविटी है ये, आप बच्चों को बोलिए ए लिखने के लिए इस तरीके से, कुछ ऐसा, वन स्लैंटिंग लाइन, अनदर स्लैंटिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से अगर वो ए को रिकॉग्नाइज हो, उसको तो कर ही चुका होगा, तो उसके बाद इस तरीके से कुछ एक्टिविटी दीजिएगा लिखने के लिए, इसके वो ये फिंगर्स का भी थोड़ा वो ये करेगा, मतलब उसको जितना हो सके प्रैक्टिस के लिए करने के लिए, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ में हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए ये सब लिखने के लिए। देखिए ए हो गया, तो वो उसके ऊपर ही वो ऐसा इस तरीके से ए लिखेगा वो। उसको कम से कम 10 बार उसको प्रैक्टिस करवाइए हर एक एक अल्फाबेट्स के। मैंने जैसे बोला सैंड में प्रैक्टिस करा सकते हैं, रंगोली आपके पास है घर पे तो रंगोली में बना सकते हैं, ये इस तरीके से अल्फाबेट सिखा सकते हैं, या चावल है या कुछ भी है ऐसे, कुछ थोड़ा ऐसे ये होना चाहिए, ग्राइन्यूट जैसा होना चाहिए। इस तरीके से बच्चों को ईजी और बहुत फन वे लर्निंग होता है ये।
और एक मेरे पास एक एक्टिविटी है जो मेरे पास अब भी एक्चुअली मैं जब भी मैं रोटी आटा गूंथती हूँ तो मेरे पास मैं थोड़ा एक्चुअली थोड़ा आटा मैं मेरे बच्चे को भी दे देती हूँ ताकि वो कुछ इससे करे एक्टिविटी। जैसे कि अभी इसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स भी हम इसमें कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये रोटी का आटा का ये जो वो मैंने किया था ये बस एक रिप्लेसमेंट ऑफ क्ले है। क्ले के रिप्लेसमेंट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने यहाँ पे तीन ये ले लिए हैं। अभी ए है मेरे पास, तो अल्फाबेट ए का कैसा रहेगा, यहाँ पे ऐसा एक स्लैंटिंग लाइन और एक एक स्लैंटिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से क्योंकि बच्चे को इन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमको सिखाने हैं जिसकी वजह से मतलब वो इनक्रेज करे बच्चे को और सीखने के लिए, तो हम फन वे में सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। तो इस तरीके से वो जल्दी से सीख भी जाते हैं और मेमोराइज भी हो जाएगा कि किस तरीके से वो रिकग्नाइज कर सकता है वो ए इस तरीके से दिखता है वो इस तरीके से। ओके ये जो पैटर्न है मैंने उसके बाद ये जो पैटर्न्स है ये मैंने फोर रूलर बुक में मैंने ये बच्चे को मैंने सिखाया था। तो इस तरीके से आप स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन इस तरीके से फोर रूलर बुक में आप सिखा सकते हैं। बिकॉज ये नर्सरी और केजी स्टैंडर्ड्स बच्चों को यही सिखाते हैं, इसी नोटबुक में सिखाते हैं। देखिए मेरे बच्चे ने ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ और इसमें बहुत सारे से किया है तो ईजीली मतलब ये बिकॉज ये उसके बाद ये फोर रूलर एक्टिविटी में हमको ये फोर रूलर बुक में हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत एंड तक यूज़ होता है बच्चे को। तो फाइनली हमको तो इसी में सिखाना रहता है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा पेरेंट्स, इसी में आप जल्दी ज़्यादा हो सके इसी में सिखाइएगा। इसका मैं बताना चाहती हूँ, आप जब इसमें सिखाते हैं जब अल्फाबेट्स लिखाना तो इसका एक ये रहता है नाम रहता है, ये फोर रूलर लाइन नोटबुक कहते हैं इसको। और ये जो है ये जो रेड लाइन है इसको कहते हैं हम अपर लाइन, और ये जो ब्लू लाइन है इसको कहते हैं हम हेड लाइन भी कह सकते हैं या तो फिर मिडिल लाइन भी कह सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड ब्लू लाइन है इसे हम बेस लाइन कहते हैं, और इसके बाद जो रेड लाइन है उसके हम लोअर लाइन कहते हैं। और बच्चों को ये लाइंस का बाय हार्ट करा दीजिए बिकॉज़ आपको जब भी आप कोई भी अल्फाबेट्स इसमें सिखाते हैं लेटर सिखाते हैं तो आप इसी लाइन से आपको सिखाना पड़ेगा, इसी नाम से आपको सिखाना पड़ेगा। ये हो गया, देखिएगा अभी जैसे मैंने ये ले लिया है यहाँ पे डॉट्स मैंने दे दिए हैं यहाँ पे, तो आपको बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा कि ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन से लेकर ये अपर लाइन तक एक स्लैंटिंग लाइन बनाओ, और ये अपर लाइन से लेके ये बेस लाइन तक एक स्लैंटिंग बनाओ, और इसके बाद ये मिडिल लाइन में या हेड लाइन में आप ऐसे स्लीपिंग लाइन बनाओ। इस तरीके से आप बच्चों को ये जो नाम है इसमें अगर आप बस रेड लाइन और ब्लू लाइन बोलेंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे बिकॉज रेड लाइन तो यहाँ पे भी रेड लाइन है यहाँ पे भी रेड लाइन है, और ब्लू लाइन बोलेंगे तो फिर यहाँ पे एक ब्लू लाइन है यहाँ पे एक ब्लू लाइन है, तो वो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये ऐसे नहीं सिखाते हैं, ये इसका भी एक नाम रहते हैं, इसको भी ये नाम से ही आप पुकारें और इसी नाम से ही आप अल्फाबेट्स वगैरह सब लिखने के लिए आप स्टार्ट कीजिएगा। इस तरीके से नाम से ही आप बोल के उनको सिखाइएगा। और पेरेंट्स आप जब भी आप अल्फाबेट सिखाते ही हैं रिकग्नाइज हो ही जाता होगा बिकॉज बच्चे को ये बेहतर होगा कि बच्चे को आप एक चार्ट ले लीजिएगा। आप मार्केट्स में तो और कोई भी स्टेशनरी में आपको इजीली अवेलेबल रहता है एक ABCD अल्फाबेट्स का चार्ट्स मिल जाएंगे आपको, 1-3 के 1-20 1-100 तक चार्ट्स के आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं मार्केट्स में। तो वो आप खरीद के आप वॉल में टांगा सकते हैं या तो फिर चिपका सकते हैं। ओके जिस तरीके से आप मतलब अगर आप करेंगे तो वो इजीली बच्चे को वो देख देख के वो बच्चे जल्दी सीखते हैं। और बेहतर होगा पेरेंट्स आप जब भी लिखाते हैं लिखाना सिखाते हैं तो प्लीज़ आप ये दोनों केस यानी कि अपर केस और लोअर केस के लेटर्स को दोनों एक साथ सिखाने के लिए कोशिश कीजिएगा बिकॉज ये ज़्यादातर अगर हम सिखाएंगे अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर्स भी अगर हम सिखाते हैं हमारे बच्चे को उसके बाद थोड़े दिनों के बाद थोड़े महीने के बाद हम अगर वापस से लोअर लेटर का स्मॉल लेटर्स अगर हम सिखाते हैं बच्चे को तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जल्दी समझ नहीं पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या हमने तो ए तो ऐसे सिखा था उसके बाद माँ अभी हमको ऐसे सिखा रही है। तो ये कुछ
अभी तो फॉलो अभी ये इस तरीके से तो फॉलो नहीं होता है, अभी ये वाला सिस्टम अभी ये नहीं हो रहा है बिकॉज अभी हम ज़्यादातर हम मैगज़ीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या कहीं पर भी नोटबुक्स हो गए, बहुत सारे अभी बाहर जाते हैं तो बच्चे बैनर देखते हैं, पोस्टर देखते हैं, कोई कहीं पर भी जाते हैं तो ज़्यादातर बाहर तो आपको मतलब इसी में स्मॉल लेटर्स में भी दिख जाता है ज़्यादातर, और ये कैपिटल लेटर्स में थोड़ा कम दिखने लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको मोस्टली ये स्मॉल लेटर्स में दिखते हैं। तो वो जल्दी से वो ग्रैजअप करने के लिए जल्दी बाहर जब जाता है तो बच्चा पढ़ने के लिए वो कोशिश करता है। अभी तो 4 साल में तो बच्चे पढ़ने लिखने सीख जाते हैं, वो बस पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, इजीली पढ़ते हैं, वो किस तरीके से शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड में कैसे पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, बिकॉज ये वो अगर उनको आ जाता है लोअर लोअर और अपर केस का लेटर्स, उनको इजीली वो अगर वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं जल्दी से, तो फिर वो जल्दी से 4 ईयर्स में ही वो लिखना पढ़ना सीख जाता है। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि ये आप लोअर केस और अपर केस दोनों एक साथ पढ़ाइए बच्चे को घर पे, और ठीक उसी तरह आप अल्फ़ाबेट डॉट ट्रेसिंग भी कराइएगा, लोअर एंड अल्फ़ाबेट, लोअर और अपर लेटर का दोनों ट्रेसिंग भी उसी तरह करा। उसके बाद बारी आती है मेरे अभी कुछ एक्चुअली ये प्रिंट कैपिटल लेटर्स हैं, बस इसमें कैपिटल लेटर्स ही आपको दिखेंगे, कैपिटल लेटर्स, यानी कि आप ऐसे एक बुक दे सकते हैं जिसमें कैपिटल लेटर्स ही वो अगर वो सिखा रहे हैं आप, तो कैपिटल लेटर्स का बुक खरीद के आप ये ले सकते हैं, सिखा सकते हैं, ताकि इसमें आपको बी फॉर बस दिख सकता है, यहाँ पे देखिए सी फॉर केक, केक का वो डायग्राम्स पिक्चर्स सब अवेलेबल है यहाँ पे, एक रिविजन के लिए मतलब ए से लेकर डी तक एक रिविजन दे दिया हुआ है यहाँ पे, अगर बच्चे ये पूरा कंटिन्यूसली वो लिखते जा रहे हैं तो बच्चे को आप रिविजन दे दीजिएगा ए टू डी तक, आप खुद से वो लिखने के लिए कहिएगा तो वो खुद से लिखेगा, इस तरीके से रिविजन का बुक भी हो जाता है ये। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे राइट द करेक्ट कैपिटल लेटर, तो इसका ये फ़ैन है तो फ़ैन का कैपिटल लेटर क्या आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे बुक्स अभी मार्केट में अवेलेबल है जो मिलता है इस तरीके से, वर्कशीट्स या वर्कबुक मिलता है, तो आप इसमें इस तरीके से ले सकते हैं। मैच द फॉलोइंग भी था इसमें, इसमें मैच द फॉलोइंग भी है, देखिए इस तरीके से मैच द फॉलोइंग भी है, हर एक लेटर्स को रिलेट करके कौन सा लेटर से कौन सा ये रिलेट करना है, अगर ये एम है तो एम से क्या आएगा, कौन सा हमको ये मैच करना है इस तरीके से, एम से मैंगो, एन से नेस्ट, इस तरीके से मैच द फॉलोइंग, फिर ये कैपिटल लेटर कौन सा आएगा ये आपको लिखना है यहाँ पे, ये इस तरीके से, तो अब बाद में मिसिंग वर्ड्स का है, मिसिंग कैपिटल, सो मिसिंग कैपिटल लेटर्स का है ये, सी के बाद कौन सा आएगा, फिर इस तरीके से, उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर भी था यहाँ पे, ये बस मिसिंग कैपिटल लेटर्स का एक ये सब एक्टिविटीज़ है, अब सब लिखाना सिखा सकते हैं ये सब, यहाँ पे ए के बाद बी आता है और यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे बी के पहले क्या आता है, तो इस तरीके से बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट आप सिखा सकते हैं बच्चे को। ठीक उसी तरह आप नंबर्स का भी ले सकते हैं प्रैक्टिस का, देखो नंबर्स भी 1 to 20 तक है, मेरे नर्सरी है, मेरा बच्चे नर्सरी में पढ़ रहा है, तो फिर मैंने ये बता दिया है आपको बुक किसका बुक है, ये नर्सरी का ही है, तो यहाँ पे देखिए काउंट एंड राइट द न्यूमरल, तो यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे ये उसको काउंट करके उसको खुद लिखना है बिकॉज़ उसने 5 तक का नंबर्स उसको आ गया है लिखने के लिए, तो अगर आप उसके बाद यही एक्टिविटीज़ है ये सारे, आप मैं घर पे भी बैठ के ये सब एक्टिविटीज़ करा सकते हैं बच्चे को। उसके बाद मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैंने आपको वापस से बोला था बच्चे ये सब करके लिख के बहुत बोर हो जाते हैं, तो मतलब ये टाइम पे अच्छा बेस्ट टाइम है कि आप ये सब नया चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है बहुत ट्रेंडी है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाइप एन सीरीज़ का मैंने एक फर्स्ट नंबर बुक खरीदा था, ये इसमें भी बहुत सारे हैं जो मतलब ये वाइप एंड क्लीन जैसा ही है, देखो अभी ये है तो मैंने इसको ये कर दिया तो वो क्लीन हो गया, इसका एक ये आता है मार्कर आता है और इस तरीके से स्पॉन्ज आता है पीछे जो हम इजीली इसको रख कर सकते हैं, दैट इज़ वाइप एंड क्लीन, देखिएगा इस तरीके से हम जो क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ हम आएंगे तो बच्चे आराम से सीख सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज़, इसमें अगेन इसमें भी एक्टिविटीज़ है, इसमें भी आप
ये वाइप एंड क्लीन है, इसके वजह से एक ही लाइन में ख़त्म कर दिया है, दैट इज़ नंबर्स। यहाँ पे बस इतना ही नंबर आपको लिखना था, वन, यहाँ पे टू, तो टू डॉट्स दिया है यहाँ पे, और एक एक्टिविटी जैसा कर दिया है कि हाउ मेनी लेग्स डज द डायनासोर हैव, तो बच्चा बोलेगा वन टू, तो टू पढ़ा इसने तो इसलिए टू डायनासोर का टू लेग्स है, कुछ इसी तरह। तो यहाँ पे देखिए फोर, तो फोर डॉट्स से ये वाला फोर हो गया, फोर लिखा उसने। तो ये सब वाइप एंड क्लीन वाला ही है, एक मार्कर दे दिया है इसमें और स्पॉन्ज दे दिया है पीछे से, और इजीली आराम से वो रब करेगा, वो ही खुद बच्चा ही खुद रब करके वो ही खुद लिखेगा। तो इट्स लाइक मैजिक जैसे उसको लगेगा कि देखो मैंने रब किया तो मैंने लिखा, और रब किया मैंने लिखा। ठीक उसी तरह मैंने नंबर्स का भी बुक लिया है, और मैंने इसका ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स का भी बुक मैंने ले लिया है। देखिए इस तरीके से मैंने अल्फ़ाबेट्स का भी बुक ले लिया है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से हम सिखा सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर्स दिया हुआ है, बॉर्डर के बीच में ट्रेस करने के लिए अच्छे से यहाँ पे विद डायरेक्शन यहाँ पे बच्चे को बताया गया है कि किस तरीके से हमको इसको सिखाना है। उसके बाद आप ये जो नंबर बुक है वो नंबर बुक ऐसे नोटबुक, जो नोटबुक है नंबर बुक नोटबुक, उसको ख़रीद के इसमें भी आप पहले सिखाएंगे बच्चे को कि अल्फ़ाबेट्स आप सिंगली एक एक ब्लॉक के अंदर, एक ही ब्लॉक के अंदर एक अल्फ़ाबेट लिखे उसको ही ये दोहरा सकते हैं, मतलब इस तरीके से लिखा सकते हैं। ये बस एक इसके लिए, मतलब उसको अच्छे से आता है यानी क्लियर करने के लिए। ठीक इसी तरह इसमें नंबर्स भी आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं, बिकॉज ये नंबर बुक है। तो मैंने सोचा था कि पहले अल्फाबेट्स और बाद में नंबर्स, ये दोनों भी कराऊँ इसमें जी। उसके बाद आपको इसी में ये फोर रूलर बुक में ही लिखाना स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ये हमको नर्सरी और केजी स्टैंडर्ड बच्चों को ही इस्तेमाल करते हैं ये वाला बुक। तो आप बेहतर होगा कि इसी बुक में आप ए बी सी डी ही सिखाइएगा, 1 2 3 मत सिखाइए इसमें। 1 2 3 का बुक इधर है, दैट इज़ ऐसे इस ब्लॉक का। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ये डॉट ट्रेसिंग किस तरीके से किया जाता है मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं एक टिप देना चाहती हूँ, जो बच्चे अगर आपको लगता है कि बच्चे बहुत ही लाइट लिखते हैं, तो लाइटली लिखने के लिए एक टिप है कि आप एक स्क्रैप बुक खरीद लीजिएगा। स्क्रैप बुक आप बच्चों को देने से क्या होता है ना जी, यहाँ पे आपको देखो कलरफुल, देख तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, ये कलरफुल बुक है ये, इसको स्क्रैप बुक कहते हैं। और इसी में आप सब कुछ लिखने के लिए सिखाएगा। इसमें क्या है कि आप इसमें ये रफ़ एंड टफ़ है, ये एक्चुअली देख सकते हैं कि ये थोड़ा क्वालिटी भी इसका ऐसा है कि ये थोड़ा रफ़ एंड टफ़ है, ये रफ़ पेज है, तो इसके लिए ये जल्दी से जब भी वो लिखेगा भी वो थोड़ा डार्क ही लिखेगा। ठीक है जी, ये डार्क ही लिखेगा। यहाँ पे आप इसमें सिखा सकते हैं, इसमें ट्रेसिंग लाइन सिखा सकते हैं, अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं, नंबर सिखा सकते हैं, ड्राइंग सिखा सकते हैं, फिर जो कुछ भी है क्राफ्ट वर्क सिखा सकते हैं आप, बहुत सारे मेनी मोर। तो इसमें ड्राइंग सिखा सकते हैं, ड्राइंग इसमें आप देखिए बहुत सारे बेसिक ड्राइंग सिखा सकते हैं, दैट इज़ इजी शेप्स जो कुछ भी है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल शेप, और जो आइसक्रीम सिखा सकते हैं, आइसक्रीम का कोन किस तरीके से है वो सिखा सकते हैं, हाउस बिल्डिंग बनाना सिखा सकते हैं, ट्रीज सिखा सकते हैं, बटरफ्लाई सिखा सकते हैं। इसमें इस तरीके से आप मतलब इसमें कुछ भी एक्टिविटी आप इस शीट में कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये जिसमें जितना आप इसमें लिखने के लिए कोशिश करेंगे बच्चे उतने ही जल्दी सीख जाएंगे डार्क लिखने के लिए, बिकॉज़ ये थोड़ा रफ़ पेज है, रफ़ है क्वालिटी।